फ्रेंड्स, मारुला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग निमसट 2018 की काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं अंकित मिश्रा, जो कि NIT भोपाल से अपना MCA कर रहे हैं। तो अंकित से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अंकित, जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 10 जून से, उसके बारे में किस तरीके से स्टूडेंट्स को च्वाइस फिलिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। जैसा कि सर ने बताया कि 10 जून से चॉइस फिलिंग की डेट स्टार्ट हो रही है, 10 से 14 जून की चॉइस फिलिंग की डेट है। आप आराम से बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिए, जिसके बाद जिसका रिजल्ट फर्स्ट अलॉटमेंट 16 जून को आएगा। 16 जून को अलॉटमेंट आने के बाद आपको 10,000 रुपये पेमेंट करने होंगे निमसेट 2018 की वेबसाइट पर, और उसके बाद आपको नियरेस्ट NIT में जाके आपको अपना काउंसलिंग करानी होगी। आपके साथ आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड आपका जो एडमिट कार्ड रहा है ओरिजिनल वाला, उसको लेके जाना है। तो अच्छा अंकित, जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता है तो उनके पास क्या ऑप्शन है, या जो अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में अपने लिए हुए कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनके पास और कौन कौन से ऑप्शन होंगे? जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या जो लोग अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं, उनके लिए फर्दर सेकेंड एंड थर्ड राउंड का ऑप्शन भी है। सेकेंड राउंड की डेट 27 जून है और थर्ड राउंड की डेट 10 जुलाई है। आप सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप अपग्रेड, और आपको यदि अलॉट नहीं हुआ है तो आप उसमें जाके आप अपना अलॉटमेंट करा सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता है तो ये प्रोसेस जो स्पॉट काउंसलिंग का है, इसके लिए स्टूडेंट को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना होगा, इसके बारे में आप बताएं। जिन लोगों को थर्ड राउंड के बाद भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके पास स्पॉट राउंड का ऑप्शन है। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए सारी NITs अपनी वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन निमसेट 2018 की वेबसाइट पर दे देंगी, जिसकी इंफॉर्मेशन 21 जुलाई को निमसेट 2018 की वेबसाइट पर आ जाएगी। उसके बाद आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसकी डेट 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में है, और उसका अलॉटमेंट 25 जुलाई को आएगा। आपको कॉलेज अगर मिलता है तो आप डायरेक्ट 30 जुलाई को आपको जहाँ पे कॉलेज मिला है वहाँ पे जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा, आपको अपने पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि NITs में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, और लास्ट ईयर के कट ऑफ के अनुसार स्टूडेंटों में जनरल कैटेगरी, OBC, SC और ST के क्या क्या कट ऑफ रहे हैं, किस किस कट ऑफ के रैंक तक को कॉलेज अलॉट किया गया है? NITs में टोटल सीट्स 840 हैं, 28 PWD स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनमें से लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 780 रैंक तक अलॉट हुए थे कॉलेज, OBC के लिए 1000 तक, और SC के लिए 6200 तक कॉलेज अलॉट हुआ था, ST के लिए 9000 तक कॉलेज अलॉट हुआ था। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, अगर आपको सभी NITs का इंडिविजुअल कटआउट चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो इमेज अपलोड कर दी जाएगी कि सभी NITs में जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST किस किस रैंक पर कौन कौन से कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है। अब मैं अंकित से ये पूछना चाहूँगा, यदि किसी भी स्टूडेंट को स्पॉट काउंसलिंग में भी कोई भी NIT अलॉट नहीं होती है तो क्या इस स्कोर कार्ड के थ्रू वो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या टॉप MCA का कॉलेज ले सकता है क्या? जिन लोगों को कोई भी NIT नहीं मिली, उनके पास ऑप्शंस हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड HBTU। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इस बार अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया, वो NIMSET रैंक कार्ड के हिसाब से ही एडमिशन देगा, और HBTU भी NIMSET के रैंक कार्ड से ही एडमिशन देगा। SCU और HBTU की काउंसलिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? HCU और HBTU की काउंसलिंग का प्रोसेस NIMSET की जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड होगी, थर्ड राउंड होगी, स्पॉट होगी, उन्हीं के साथ ही होगा, अलग से कोई डेट नहीं है, उन्हीं के साथ होगा। फर्दर डिटेल के लिए SCU और HBTU की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसी के प्रोसेस पर आपका एडमिशन होगा। तो चलिए अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें बताई। स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी आपको करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको सभी एनआईटीज के वॉलंटियर्स के नंबर दिए गए हैं। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम, किस एनआईटी में वो इस वक्त एमसीए कर रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर, सारी जानकारी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। थैंक यू।